हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन अकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वेंशन एंड डिस्कवर। अभी तक सभी एग्जामों में पूछे गए इन्वेंशन और डिस्कवर पे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए अभी तक सभी एग्जामों में, वो सब हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। और ये वीडियो आप लोगों को पूरी देखना है। एनटीपीसी वाले हो, चाहे एसएससी सीजीएल वाले हो, चाहे कोई वाले हो, एनटीपीसी वाले तो दो प्रश्न इससे जरूर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं टाइम को ना वेस्ट करते हुए। पहला जो क्वेश्चन से, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोहेन ने किया था, नरेंद्र कंपनी ने किया था, नरेंद्र कंपनी ने किया था, पर्सी एल स्पेंसर ने किया था, टी एच मेमर ने किया था। तो नरेंद्र कंपनी जो थे, इन्होंने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर क्या सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, रडार का आविष्कार किसने किया था? जे एच वैन टैसेल ने किया था, विलेम के रोइंगेन ने किया था, पीटी फॉन्सवर्थ ने किया था, ए एच टेलर और लियो सिंह यंग ने किया था। तो रडार का जो आविष्कार है वो एच एच टेलर और लियो सिंह यंग ने किया था। तो ऑप्शन नंबर फोर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, पहला ऑटोमोबाइल किसने बनाया था? गॉटविल डेमलर ने बनाया था, हेनरी फोर्ड ने बनाया था, रुडोल्फ डीजल ने बनाया थी, कार्ल बेंच ने बनाया था। तो पहला जो है ऑटोमोबाइल जो बनाया था वो किसने, कार्ल बेंच ने बनाया था। तो ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है पेंटियम चिप के निर्माण से कौन संबंधित था? अरुण नेत्रावली थे, सबीर भाटिया थे, सी कुमार पटेल थे, विनोद धाम थे। तो पेंटियम जो चिप थी उसको जो बनाया था वो विनोद धाम ने बनाया था। किसने, विनोद धाम ने। तो ऑप्शन नंबर फोर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, वीडियो टैप का आविष्कार किसने किया था? रिचर्ड जेम्स ने किया था, चार्ल्स गिंसरबर्ग ने किया था, पीटी फ्रांसवर्थ ने किया था, जॉर्ज डे मेल्टन ने किया था। तो वीडियो टेप का आविष्कार वो चार्ल्स गिंसबर्ग ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर का आविष्कार सर फ्रैंक विटेट ने किया था, फ्रेड मॉरिसन ने किया था, टी एच मैमन ने किया था, डॉक्टर चार्ल्स एन जॉन्स ने किया था। तो लेजर का जो आविष्कार है वो किया था टी एच मैनन ने। किसने, टी एच मैनन ने किया था। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, किस कंपनी ने ट्रांजिस्टर अनुपात का नियम आविष्कार किया था? कंपनी सोनी ने, ग्रुडिंग ने, पैनासोनिक ने, टेलस्टार ने। तो किसने किया था, सोनी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर वन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? जोनाल साक ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, रॉबर्ट बर्क होल्डर ने, रॉबर्ट कोच ने। तो पोलियो वैक्सीन का जो आविष्कार है अल्बर्ट साविन ने किया था। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, वॉयस मेल का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन गार्डन मैथ्यू ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, आप जानते हो टेलीफोन का किया था, जे एल फ्लेमिंग ने किया था, बी ए पॉल्सन ने किया था। तो वॉइस मेल का जो आविष्कार है वो किया था गॉर्डन मैथ्यू ने। ऑप्शन नंबर वन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, कोस्की का जनक किसे, फोन का जो आविष्कार है किसे कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है, लुनिस टोरवाल्ड्स को, पर्सी लेफ्रन स्पेंसर को, फ्रेड मॉरिसन को, मार्टिन कूपर को। तो किसको कहा जाता, मार्टिन कूपर को कहा जाता। ऑप्शन नंबर फोर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पहले फोन में क्या होते थे, कूपन पड़ते थे रिचार्ज कराने के लिए फोन में, तो कूपर ने किया था, मार्टिन कूपर ने। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन पहले हुई थी? जॉन लोगी बेयर्ड ने पहला टेलीविजन प्रदर्शित किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, बात करने की तस्वीर का प्रसारण बीबीसी द्वारा टेलीविजन द्वारा किया गया था, कि जोनास इसॉल्क ने सबसे पहले पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया था।
तो इसमें जेएल बेयर्ड ने पहला टेलीविजन प्रदर्शित किया था। तो ऑप्शन नंबर वन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न, ज्यामिति के पिता कौन थे? तो ज्यामिति के पिता पाइथागोरस थे, अरस्तु थे, कैपलर थे। कैपलर तो जानते हो, ग्रहों की गति कैपलर से संबंधित है। अरस्तु को जानते हो, अरस्तु जियोलॉजी के फादर कहे जाते। पाइथागोरस के सिद्धांत। यूक्लिड जो थे वो किसके थे? यूक्लिड जो थे वो ज्यामिति के क्या थे? फादर थे। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, किसको क्या नाम दिया जाए? सबसे पहले प्लेनेटोइड की खोज हाल में सौरमंडल में किसने की थी? क्वार्क ने, क्विसिनन ने किया था, किसिनन ने किया था, सिडना ने, एस्टेरिक्स ने किया था। तो किसने किया था? सिडना ने किया था। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, किसके उपयोग का परिचय सर्जरी के लिए आर्टिफिशियल हार्ट के लिए परिचय दिया गया था, उपयोग के परिचय ले के लिए? क्रिश्चियन बनार्ड ने दिया था, माइकल डी बेकी ने, वाटसन लीले हेल ने, डेंटल कुली ने। तो किसने दिया था? तो क्रिश्चियन बनार्ड ने दिया था। किसने? क्रिश्चियन बनार्ड ने। ऑप्शन नंबर वन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रडार का जो आविष्कार है, ए एस टेलर और लियोसी यंग ने किया था। ऑप्शन नंबर फोर राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम आधुनिक मोटर कार का निर्माण किसने किया था, या ऑटोमोबाइल की बात करता है या इसकी बात करता है, तो किसने किया था? तो आप लोग जानते हैं, कार्ल बेंज ने। किसने? कार्ल बेंज ने। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, पहले स्वचालित का ऑटोमोबाइल का विकास किसने किया था? तो आप जानते हैं, पहले स्वचालित ऑटोमोबाइल का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो आप लोग जानते हैं किसने किया था, गोटमॉल डेमलर ने किया था, हेनरी फोर्ड ने, रुडोल्फ रीडल ने, कार्ल बेंज ने। तो आप पहले आधुनिक ऑटोमोबाइल की बात करोगे तो वो आपका किसने? कार्ल बेंज ने किया था। जबकि स्वचालित की बात करते हो तो हेनरी फोर्ड ने। किसने? हेनरी फोर्ड ने। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, ज्यामिति के पिता यूक्लिड थे। कौन थे? यूक्लिड थे। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरिंदर कंपनी ने किया था। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो टाइप का आविष्कार चार्ल्स गिंसबर्ग ने किया था, यह दोबारा पूछा गया है। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, मैक्स प्लैंक ने, जोसेफ थॉमसन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो जोसेफ थॉमसन ने की थी। किसने? जोसेफ थॉमसन ने। जबकि नाभिक और रदरफोर्ड ने की थी इसकी, ठीक है। जबकि मैक्स प्लैंक नेतांक की मैक्स प्लैंक ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। प्रकाश का जो सिद्धांत होता है वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, ठीक है। तो उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, पहला थर्मियोनिक वाल्व किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? थॉमसन एडिसन के द्वारा, रिचर्डसन के द्वारा, जे एल फ्लेमिंग के द्वारा, कि ली दे हॉर्न के द्वारा। तो किसके द्वारा यह किया गया था? जे एल फ्लेमिंग के द्वारा। थर्मियोनिक वाल ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, गन पाउडर का आविष्कार किसने किया था? रोजर बेकर ने, बछेड़ा ने, सीवी रमन ने, या डॉक्टर गैटिंग ने किया था? तो गन पाउडर का जो आविष्कार है वो जानते हैं आप, रोजर बेकर ने। किसने? रोजर बेकर ने। बहुत बार पूछा गया, ऑप्शन नंबर वन राइट आंसर। किस आविष्कार के लिए ऑटो हैन ने ख्याति प्राप्त की थी? एटम बम, टेलीविजन, एक्सरे, खान जो सुरक्षा दीपक। तो किसके आविष्कार के लिए? तो एटम बम के। ऑटो हैन ने एटम बम का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर वन राइट आंसर हो जाएगा। कुष्ठ बेसिलस द्वारा आविष्कार किया गया था। कोच का, हैंसेन का, फ्लेमिंग का, हार्वे का, किसका किया गया? कुष्ठ बेसिलस द्वारा आविष्कार किया गया था। कुष्ठ बेसिलस ने किसका आविष्कार किया था? कोच का। किसका? कोच का। ऑप्शन नंबर वन राइट आंसर हो जाएगा। कोच ने कुष्ठ बेसिलस का आविष्कार किया था। रॉबर्ट कोच जो थे उन्होंने कुष्ठ बेसिलस का आविष्कार किया था। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, एक्सरे किसके द्वारा खोजे गए थे? बैकरेल द्वारा, रॉन्जन द्वारा, मैडम क्यूरी द्वारा, वान ल्यू के द्वारा।
तो आप जानते हैं किसके द्वारा किया गया था। एक्सरे की खोज जो है, एक्सरे की जो खोज है वो आपके रोडजन के द्वारा, किसके द्वारा, रोडजन के द्वारा। आपका नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, सीमेंट की खोज किसने की थी। सीमेंट की खोज आप लोग जानते हैं, सीमेंट की खोज किसने की थी। अगासीट ने, अल्बर्ट मैग्नस ने, जोसेफ एस्पिसन ने, एस्पिपन ने या जनसेन ने की थी। तो सीमेंट की खोज जोसेफ एस्पिसन ने की थी। आपका नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। तो अमुंडसन ने की थी, रॉबर्ट पियर ने, जॉन कोबोट ने, कप्तान कुक ने की थी। तो किसने की थी, रॉबर्ट पियर ने की थी। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, पहली बार बैक्टीरिया की खोज की गई थी। ए बी लीवेनहॉक के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा, रॉबर्ट कोच के द्वारा, लुईस पाश्चर के द्वारा। तो आप लोग जानते हैं पहली बार जो बैक्टीरिया की खोज की गई थी वो ए बी लीवेनहॉक के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर वन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जबकि लुई पाश्चर ने टीकाकरण की, जबकि रॉबर्ट कोच ने पोलियो वैक्सीन। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा खोजा गया था ग्रहण और छोट नोल और रस्का, किसान और मून, जॉनसन और जॉनसन के द्वारा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, तो वो नोल और रस्का के द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। तो आप लोग जानते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने, अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर वन। जबकि टीकाकरण का एडवर्ड जेनर ने। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, किसने टीकाकरण का आविष्कार किया था स्मॉल पॉक्स का। स्मॉल पॉक्स का तो आप जानते हैं एडवर्ड जेनर का, उसने, एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, कार्ल बेंज ने, सर फ्रैंक विटल ने, थॉमस लेरी ने, माइकल फैराडे ने। तो किसने किया था, जेट इंजन जो था, जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक विटल ने किया था। किसने, सर फ्रैंक विटल ने। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न, एक्सरे के किसके द्वारा, अभी बताया था रॉन्टजन के द्वारा। किसके, रॉन्टजन के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न, टीकाकरण का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड जेनर, अभी बताया थे। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। संवेदनाहारी के रूप में क्लोरोफार्म का आविष्कार किसने किया था। अब क्लोरोफार्म का जो आविष्कार है किसने किया था, जेम्स सिम्पसन ने, एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, क्रिस्टियन बर्नार्ड ने। तो किसने किया था, जेम्स सिम्पसन ने किया था। किसने, जेम्स सिम्पसन ने किया था। ऑप्शन नंबर वन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, जी मार्कोनी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जे एल बेट, थॉमस बैरो के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था, तो आप लोग जानते हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, हाइड्रोजन बम जो थी उसका आविष्कार किसने किया था, रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, सैमुएलियन कोहेन ने, एडवर्ड टेलर ने। तो जानते हैं परमाणु बम का, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, हाइड्रोजन बम का, एडवर्ड टेलर ने। किसने, एडवर्ड टेलर ने। ऑप्शन नंबर फोर राइट आंसर हो जाएगा। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था, थॉमस एल्वा एडिसन, विद्युत बल्ब, निकोलस वान जिम लूमियर, विलियम मर्डॉक, डॉक्टर जे ब्रैडनबर्गर ने। तो सिनेमा का जो आविष्कार है, निकोलस और जीन लूमियर ने की थी। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था। अब पोर्टलैंड सीमेंट का जो आविष्कार है वो किसने किया था, जानते हो, जोसेफ एस्पिन ने किया था पोर्टलैंड सीमेंट का। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, आर्द्रता द्वारा मापा जाता, आर्द्रता किसके द्वारा नापी जाती है। आर्द्रता जो है आप लोग जानते हैं हाइग्रोमीटर के द्वारा, पॉलीमीटर के द्वारा झूठ नापा जाता, थर्मामीटर के द्वारा टेम्परेचर, जबकि इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता। ऑप्शन नंबर फोर राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, आप जानते हैं चार्ल्स बेबेज ने। किसने, चार्ल्स बेबेज ने। ऑप्शन नंबर फोर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जबकि विद्युत अवकट फैराडे ने किया था, जबकि बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की, मैक्सवेल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड राइट आंसर। उसके बाद राइट आंसर हो जाएगा।
वेब का आविष्कार किसने किया था? माइकल सैंडल ने, टिम बर्सन ली ने, बिल गेट्स ने, टेड नेल्सन ने की थी? तो वेब का जो आविष्कार है, वेब का जो आविष्कार है वो किसने किया था? टिम बर्सन ली ने किया थी। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न, टीम का नेता कौन था जिसने वेब ब्राउजर विकसित किया? मोज़ेक के रूप में जाना जाता है, मार्क एंडरसन ने, बॉब कहन ने, पॉल मॉक पेट्रिस ने, टिम बर्सन ली ने? को किसके द्वारा यह किया गया था? तो यह किया गया था मार्क एंडरसन के द्वारा। किसके द्वारा? मार्क एंडरसन के नेतृत्व में यह टीम नेता थे। ऑप्शन नंबर वन राइट आंसर। नायलॉन के आविष्कार से कौन जुड़े हुए? लुई पाश्चर हैं, नाइस फॉर निप्से हैं, जॉन कार्बर्ट हैं, डॉक्टर वासेल एच कैरोलस हैं। तो नायलॉन का जो आविष्कार है, नायलॉन का आविष्कार किसने किया था? तो नायलॉन का जो आविष्कार है लुई पाश्चर ने किया था। ऑप्शन नंबर वन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, सबसे पहले विक्षेपण का बल खोजा गया था कोरियोलिस के द्वारा, फेरल के द्वारा, थॉइड के द्वारा, कोपेन के द्वारा? तो सबसे पहले विक्षेपण का जो है, विक्षेपण की जो खोज है वो किसके द्वारा? फेरल के द्वारा। किसके द्वारा? फेरल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सी मशीन है जो चार्ल्स बैबेज द्वारा डिजाइन किया गया था? विश्लेषणात्मक इंजन था, अंकगणित इंजन था, मशीन का निर्माण था कि पंच कार्ड था? तो इन्होंने जो विश्लेषणात्मक इंजन का आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर वन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन की खोज जो है वो किसने की थी? एफ बैटिन ने की थी, बैटिंग ने, एडवर्ड जेनर ने, रोनाल्ड रॉस ने, एस ए वैक्समैन ने की थी? तो इंसुलिन की जो खोज है, इंसुलिन की खोज आप जानते हैं एफ बैटिंग ने। किसने? एफ बैटिंग ने, जबकि टीके का एडवर्ड जेनर। तो ऑप्शन नंबर वन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, सौर मंडल की खोज किसने की थी? देखो, सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो आप लोग जानते हैं सौर मंडल की कोपरनिकस ने की थी, ठीक है। गैलीलियो ने दूरबीन की थी, न्यूटन ने गति के नियमों की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड जो हो जाएगा राइट आंसर। उत्तरी ध्रुव की खोज अभी बताया था रॉबर्ट पियरे ने। ऑप्शन नंबर वन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में ऑप्टर हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? कॉकरेल ने, ब्रैकेट ने, ओटिस ने, फ्रैंक व्हाइट ने? तो आप जानते हैं हेलीकॉप्टर का जो आविष्कार है वो किसने किया था? ब्रैकेट ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अभी आप लोगों को बताया था पेनिसिलिन का जो आविष्कार है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? ओरविल राइट और विल्बर राइट ने, सर फ्रैंक मिटल ने, माइकल फैराडे ने, क्रिश्चियन ह्यूजेन ने किया था? तो हवाई जहाज का जो आविष्कार है वो किया था आप जानते हो राइट बंधुओं ने, ओलिवर ओरविल राइट और विल्बर राइट। ऑप्शन नंबर वन राइट आंसर हो जाएगा। अपने सिलीन का आविष्कार अनेक जेंडर फ्लेमिंग, जबकि विलियम हार्वे ने, लुई पाश्चरीकरण का, एड्स का प्रेरक वायरस किस वर्ष में अलग थलग था? 1920 में, 1921 में, 1943, 1946 में? तो एड्स का जो प्रेरक वायरस था किस वर्ष में अलग थलग था? तो यह था आपका 1943 में। कब? 1943 में। ऑप्शन नंबर क्या? थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय की खोज किसने की थी? प्रकाश की प्रकृति में, स्नेल ने, न्यूटन ने, मैक्सवेल ने, युवा ने? तो किसने की थी इसकी खोज जो की थी? मैक्सवेल ने की थी। किसने? मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय प्रकाश की प्रकृति की थी। क्वांटम के संस्थापक विकिरण का सिद्धांत, क्वांटम विकिरण के सिद्धांत का संस्थापक कौन थे? आप लोग जानते हैं किसने दिया था इसका? आइंस्टीन ने दिया था, बोह ने दिया था, प्लैंक ने, एमएस बोस ने किया था? तो किसने? प्लैंक ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, ग्रीन हाउस की अवधारणा किसके द्वारा पोस्ट किया गया था? जोसेफ फ्यूरियर के द्वारा, अब्दुल कलाम के द्वारा, एम एस स्वामीनाथन के द्वारा, रिकेल कार्लसन के द्वारा? तो ग्रीन हाउस जो अवधारणा है वे किसके द्वारा दी गई थी? तो ग्रीन हाउस की जो अवधारणा है जोसेफ फ्यूरियर के द्वारा। ऑप्शन नंबर वन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न, अब रक्त समूह
ब्लड ग्रुप की जो खोज है किसके द्वारा की गई थी, तो आप लोग जानते हैं किसके द्वारा की गई थी, तो यह की गई थी लैंड स्टीनर के द्वारा। किसके द्वारा? लैंड स्टीनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। किसने अवधारणा पेश की कि संग्रहित कार्यक्रम, जो संग्रहित प्रोग्राम था, स्टोरेज जो प्रोग्राम था, उसकी खोज किसने पेश की अवधारणा? जॉन वॉन न्यूहेम ने, चार्ल्स बैबेज ने, ब्लैक पास्कल ने, जॉन मॉचली ने? तो किसने? जॉन वॉन न्यूहेम ने। तो ऑप्शन नंबर वन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, मौसम विज्ञान का विज्ञान है। मौसम का, मातृत्व का, धातुएं का, भूकंप का। तो मौसम विज्ञान जो है ये किसका होता है? मातृत्व का होता है। किसका? ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। दूध की शुद्धता अभी मैंने बताया था किसके द्वारा? लैक्टोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की जो खोज है आप लोग जानते हैं किसने की थी? हेनरी बैकरेल ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड राइट आंसर, जबकि एक से की रॉन्टजन ने। ड्रग्स के अध्ययन और उनकी कार्यवाही के रूप में जाना जाता है फार्मेसी, पुरापाषाण काल, फार्माकोलॉजी या पुरापाषाण काल। तो ड्रग के अध्ययन को और उनकी कार्यवाही के रूप में जो जाना जाता है वो किसे जाना जाता है? फार्माकोलॉजी के नाम से। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। रूट प्रेशर द्वारा मापा जाता है किसके द्वारा? बैरोमीटर के द्वारा, एटमोमीटर के द्वारा, मैनोमीटर के द्वारा कि एक्जेनोमीटर के द्वारा नापा जाता है। तो रूट प्रेशर जो होता है वो किसके द्वारा नापा जाता है? तो आप जानते हैं किसके द्वारा? वो ऑक्सोनोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर फोर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है रक्त समूहों को, तो अभी मैंने बताया था लैंड स्टीनर के द्वारा। किसके द्वारा? लैंड स्टीनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर वन राइट आंसर हो जाएगा। एक टैकोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है, तो आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण पुल के द्वारा घूमने की गति के सतह का तनाव या फैलाने वाली वस्तु का। तो टैकोमीटर जो है वो आपका घूमने वाली वस्तु के लिए, उसके लिए उपकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी रेडियोधर्मिता की? तो आप जानते हैं रेडियोधर्मिता की जो खोज है वो किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज मेरी क्यूरी ने की थी, मैडम क्यूरी ने की थी, मैरी क्यूरी ने की थी। ऑप्शन नंबर वन राइट आंसर हो जाएगा। क्रिस्कोग्राफ जो है किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? एस एन बोस के द्वारा, पी एस राव के द्वारा, जेसी बोस के द्वारा, पीसी महालनोबिस के द्वारा। तो क्रिस्कोग्राफ है जो जगदीश चंद्र बोस थे जिनको जेसी बोस कहते थे। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक भारतीय थे। उसके बाद में अगला प्रश्न, जूलॉजी की उस शाखा का नाम बताइए कि वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित पशु है। इकोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, एथोलॉजी है, एनाटॉमी है। तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग जानते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? इकोलॉजी के, जो वैज्ञानिक अध्ययन या पशु व्यवहार से संबंधित। ऑप्शन नंबर वन राइट आंसर। आईबीएफ तकनीक पहली बार तैयार की गई थी पैट्रिक स्टेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड्स के द्वारा, डॉक्टर हेनरी डिक्सन के द्वारा, रॉबर्ट सन के द्वारा, डॉक्टर मार्टिन कूपर के द्वारा। तो किसके द्वारा यह तैयार की गई थी? तो डॉक्टर हेनरी डिक्सन के द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण दूध का घनत्व मापा जाता है। आप लोग जानते हैं किसके दूध का घनत्व मापने की बात की थी अभी हमने, किससे बात की गई थी? लैक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर वन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने, स्टीवेंसन ने, हाफमैन ने, राइट ब्रदर्स ने? तो हवाई जहाज का जो आविष्कार है राइट ब्रदर्स ने की थी। ऑप्शन नंबर फोर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ऑप्शन नंबर वन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो आप जानते हैं थॉमस एल्वा एडिसन ने। किसने? थॉमस एल्वा एडिसन ने। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? अभी जानते हो, राइट ब्रदर्स ने। ऑप्शन नंबर फोर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। लिंकेज किसके द्वारा खोजा गया था? ब्लॉक्सली के द्वारा, मॉर्गन के द्वारा, मुलर के द्वारा, बेटसन के द्वारा। तो लिंकेज का जो आविष्कार है वो किया गया था बेटसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर फोर राइट आंसर हो जाएगा।
वायुमंडलीय घटनाओं का अध्ययन कहा जाता है, ज्योतिषी कहलाता है, मौसम विज्ञान, सिस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी कहलाती है। तो वायुमंडलीय जो घटनाओं का अध्ययन है उसे मौसम विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। टीकाकरण तकनीक के द्वारा विकसित किया गया था, टीकाकरण जो थी वो किसके द्वारा विकसित किया गया था, किसके द्वारा जो है विकसित किया गया था, तो आप लोग जानते हैं लुई पाश्चर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत द्वारा निम्न में से किसको मापा जाता है, एमीटर को, वोल्ट मीटर को, एनिमोमीटर को, वाट मीटर को। तो विद्युत द्वारा किसके उपकरण के द्वारा नापा जाता है, तो विद्युत द्वारा जो नापा जाता है वो एमीटर के द्वारा, एमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर वन राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, सी वैक्समैन ने, लुई पाश्चर ने, एम फ्लेमिंग ने की थी। तो किसने की थी, तो प्रथम एंटीबायोटिक की खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर फोर राइट आंसर। वैक्समैन को नोबेल पुरस्कार मिला किसकी खोज के लिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, नियोमाइसिन या पेनिसिलिन के लिए। तो वैक्समैन को नोबेल पुरस्कार की खोज की थी ये किसने की थी, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए। ऑप्शन नंबर वन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की। रेडियो गतिविधि किसके द्वारा खोजी गई थी, संध के द्वारा, रदरफोर्ड या क्यूरी के द्वारा। तो रेडियो जो गतिविधि थी, रेडियो गतिविधि ये किसके द्वारा की गई थी, संधि के। ऑप्शन नंबर वन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन को किसके द्वारा खोजा गया था, बीडल और टैटम के द्वारा, रैक्सटन और क्रिक के द्वारा, टेम्पिन एंड वाल्टीमीटर वाल्टीमोर के द्वारा, हर गोविंद खुराना के द्वारा। तो रिसर्च ट्रांसक्रिप्शन जो थी इसकी खोज की थी वो आपके टेम्पिन एंड वाल्टीमोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिजियोलॉजी का अध्ययन है, फिजियोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया, जीवाणु का, शैवाल का, फंजाई का, लाइकेन का। तो किसका अध्ययन किया जाता है, तो आप जानते हैं शैवाल का किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था, जिलेट ने, स्टीव चेयर ने, स्टीव जॉब ने, लोर स्ट्रॉस ने किया था। तो सेफ्टी रेजर का जो आविष्कार है वो किया था जिलेट ने, कहते नहीं जिलेट विलेट दे दो, सेफ्टी रेजर। ऑप्शन नंबर वन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। संबंधित व्यक्ति को बाहर निकाले जीन शब्द के संयोग से होता है, वाल्डेयरर, मेंडल, जोहानसेन या मॉर्गन। जीन शब्द के जो संयोग से नहीं संबंधित उनको बाहर करना है, तो कौन जीन शब्द से संबंधित नहीं, कौन से संबंधित है, तो जीन शब्द से जो संबंधित है कौन है वो आप जानते हैं, जोहानसेन है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो यंत्र होता है दबाव के लिए, दबाव मापने के लिए, वो उसे क्या कहते हैं, एनिमोमीटर होता है, एनराइड एरोमीटर होता है, हाइग्रोमीटर होता है कि थर्मामीटर होता है। तो दबाव मापने का जो यंत्र होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जानते हो एनराइड बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। रिक्टर स्केल का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, रिक्टर स्केल जो होता है वो तापमान जो क्या होता है, भूकंप की तीव्रता, इन सब से संबंधित होता है। जैसे क्या है, मौसम की जो घटने और बढ़ने की जो स्थिति होती है रिक्टर स्केल से नापी जाती है। तो वायु का वेग, इसमें देखो ये सभी चीजें नापी जाती है, तो यहाँ पे इसका कोई भी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही नहीं। सिस्मोग्राफ जो होता है वो भूकंप की तीव्रता नापने के लिए होता है। ठीक है, रिक्टर स्केल से क्या होता है, मौसम की जो कंडीशन स्थिति जो होती है उसे नापा जाता है, भूकंप की तीव्रता नहीं, रिक्टर स्केल। ठीक है, जैसे तो इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं, एसएससी ने इसका जो है कोई ऑप्शन इसका सही नहीं यहां माना था। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, बैटरी का आविष्कार किसने किया था, रॉन्टजेन ने, वोल्टा ने, फैराडे ने, मैक्सवेल ने। तो जानते हो बैटरी का जो आविष्कार है वो वोल्टा ने किया था, किसने, वोल्टा ने। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, किसके बीच कड़ी की खोज की गई थी, बिजली और चुंबकत्व,
वोल्टा के द्वारा, मैक्सवेल के द्वारा, डीजल के द्वारा, फैराडे के द्वारा, माइकल फैराडे। तो मैक्सवेल के द्वारा, किसके द्वारा, मैक्सवेल के द्वारा में बिजली और चुंबकत्व की खोज की गई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सेकंड आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, प्राण विज्ञान का अध्ययन होता है मधुमक्खियों का अध्ययन, एफिड्स का अध्ययन, घुनों का अध्ययन, मकड़ियों का अध्ययन। तो प्राण विज्ञान में जो अध्ययन होता है मकड़ियों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लैन मीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है किसी क्षेत्र की ऊंचाई, दिशा, सड़क की दूरी या क्षेत्र। तो इसके मापने के लिए प्लैन मीटर का आविष्कार ये किया जाता है, क्षेत्र किसका मापने के लिए किया जाता है, क्षेत्र का, किसका मापने के लिए, क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। पर्स्की तंत्र शब्द किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, वांस्की द्वारा, एस एफ होप्स के द्वारा, एसी टेंसले के द्वारा, थी एन नी मैन के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था, तो आप लोग जानते हैं ए जी टेंसले के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, गैस इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, जो गैस इंजन था उसका आविष्कार किसने किया था, चार्ल्स ने, डेवी ने, डीजल ने, डेमल ने। तो किसने किया था, डेमलर ने किया था, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आर्बर कल्चर जो होता है, आर्बर कल्चर किसका अध्ययन किया जाता है, पेड़ों और सब्जियों की खेती का, बाग की खेती का, पादप जीवन का विज्ञान का, पादप जीवन विज्ञान का, बढ़ती फसलों का। तो जो आर्बर कल्चर होता है इसमें जो अध्ययन किया जाता है पेड़ों और सब्जियों की, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वेंटमीटर का आविष्कार का उपयोग किया जाता है, वेंटमीटर जो होता है तरल पदार्थ के प्रवाह की दर को, दबाव को, सतह का तनाव या तरल घनत्व को। तो वेंटमीटर जो होता है इसका उपयोग जो किया जाता है वो तरल पदार्थ के प्रवाह की दर को, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था, तो हमने बताया था किसने, मार्टिन कूपर ने, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। सिस्मोग्राफ का जो विज्ञान है वो किससे संबंधित है, तो आप जानते हैं भूकंप से संबंधित, किससे, भूकंप से संबंधित। तो सिस्मोग्राफी का विज्ञान जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, तो सिस्मोग्राफी का जो वो आपका किससे होता है, वो तीव्रता नापी जाती है, भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, लिसीमीटर अनुमान लगाने में मदद करता है, वाष्पीकरण, सापेक्ष आर्द्रता, वाष्प दाब, हवा का रोक। तो जो होता है लिसीमीटर जो होता है, लिसीमीटर जो होता है वो वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, इंफ्रारेड विकिरणों का पता लगाया जाता है, पायोमीटर, नैनोमीटर, फोटोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर। तो किसका पता लगाया जाता है, फोटोमीटर का, फोटोमीटर के द्वारा ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड विकिरणों का पता लगाया जाता है फोटोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्रायोजेनिक्स का अध्ययन होता है उच्च तापमान होता है, सुपरकंडक्टर होता है, ईंधनों का उत्पादन होता है या कम तापमान होता है। तो क्या होता है, कम तापमान होता है, क्रायोजेनिक्स में अध्ययन कम तापमान का, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। एंटोमोलॉजी वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है मनुष्यों का व्यवहार, चट्टानों का निर्माण, कीड़े, इनमें से कोई नहीं। तो एंटोमोलॉजी जो होता है वो अध्ययन करता है आपका कीड़ों का, किसका, कीड़ों का, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। वर्ल्ड वाइड वेब का जो WWW जो होता है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, टी बर्सन ली ने, मार्टिन कूबर ने, सैमुअल टॉमलिंसन ने, चार्ल्स बेबेज ने किया था। तो किसने इसका आविष्कार किया था, तो टिम बर्सन ली ने, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, पॉलीस्टाइरीन की खोज की गई थी 1839 में एडवर्ड साइमन द्वारा कि इसका उपयोग प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता और सीडी मामले में, या बायो डिग्रेडेबल नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका जो कौन सा गलत है ये पूछा गया, तो इनमें से कोई भी इसमें से गलत नहीं है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, किस वैज्ञानिक को मोसोट्रॉन के लिए नाम बदलकर इसका मेसन रखा गया, हंस एडोल्फ क्रिप्स के द्वारा, कार्ल डेविड एंडरसन के द्वारा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा, विलियम बुहलर के द्वारा।
तो किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभी। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, एक एनीमोमीटर उपाय जो होता है, एनीमोमीटर से क्या प्रकाश की गति, हवा की गति, जल धारा की गति, उपग्रहों की गति, तो एनीमोमीटर से जो मापा जाता है वो हवा की गति। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी का अध्ययन होता है, माइक्रोमोलॉजी होता, शास्त्र होता, हिम विज्ञान होता, ब्रह्मांड विज्ञान होती, तो मिट्टी का जो अध्ययन होता है आप लोग जानते हैं क्या होता है, मिट्टी का जो अध्ययन किया जाता है, ठीक है, मिट्टी का जो अध्ययन किया जाता है वो किसके द्वारा, मृदा का अध्ययन जो होता है उसे पेडालॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, पेडालॉजी जो होती है वो मृदा का अध्ययन होती है, तो आप इसमें कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, मिट्टी का जो अध्ययन होता है वो पेडालॉजी कहलाती है, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, माइक्रोलॉजी क्या होता है, माइक्रोलॉजी अध्ययन किया जाता है, मक्खियों का अध्ययन होता है, चींटियों का अध्ययन होता है, मधुमक्खियों का अध्ययन होता है, मकड़ियों का अध्ययन होता है, तो माइक्रोलॉजी जो होता है इसमें चींटियों का अध्ययन किया जाता है, माइक्रोमोलॉजी जो माइक्रोमोलॉजी होता है, माइक्रोमोलॉजी इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, वो चींटियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है, टोपोलॉजी कहा जाता है, जल विज्ञान कहा जाता है, लिमोनोलॉजी कहा जाता है, सीस्मोलॉजी, भूकंप का जो विज्ञान, भूकंप का जो अध्ययन किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे जानते हैं सीस्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर फोर राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, लक्स मीटर का, कैलोरी मीटर का, एनीमोमीटर का, अल्टीमीटर का, तो आप जानते हैं प्रकाश की जो तीव्रता है उसको मापने के लिए आप लक्स मीटर का आविष्कार करते हैं, किसका, लक्स मीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर वन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एपिग्राफी किसका अध्ययन होता है, सिक्के का, शिलालेख का, मंदिर का, पक्षी का, तो एपिग्राफी जो होता है इसमें शिलालेख का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट, कहते हैं एपी, एपी मतलब होता है शिलालेख को लिखना, एपिटाइप जो होता है जो आपके टॉम मतलब क्या होते हैं, मकबरे पर लिखा जाता है। दूर के प्रकाश मान तापमान निकायों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, पारा थर्मामीटर के द्वारा, गैस थर्मामीटर के द्वारा, पायरोमीटर के द्वारा, रंग थर्मामीटर के द्वारा, तो किसके द्वारा यह किया जाता है, दूर के प्रकाश के तापमान के लिए निर्धारित, पायरोमीटर। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। एक यूडियोमीटर के उपाय में होता है, वायुमंडल दबाव को किया, गैसों का आयतन को, वाष्प दाब को, किसके लिए होता है, तो बताइए, बार, या होता है बार के लिए, क्या होता है, बार के लिए होता है, तो किसके लिए होता है, तो ये होता है, आप जानते हो गैसों का आयतन जो होता है यूडियोमीटर में नापा जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणुओं की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है, गोलार्ध के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, कैलोरीमीटर, ऑक्सोनोमीटर, तो जीवाणुओं की जो वृद्धि है वो नापी जाती है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। जीव विज्ञान की शाखा जो विलुप्त जीवों से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है, वंशावली, फिलोगेनी कहा जाता है, पलायोबोटनी कहा जाता है, पुरापाषाण कहा जाता है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे पुरापाषाण काल के नाम से। यहाँ पे पुरापाषाण काल जीव विज्ञान की शाखा जिसमें होता है उसे रेड डॉट ऑफ बुक्स कहते हैं, ठीक है, इसका ऑप्शन ये भी नहीं, ये गलत टाइप हुआ है, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न, ब्यूफोर्ड पैमाने का उपयोग किया जाता है, ब्यूफोर्ड जो होता है उस पैमाने का उपयोग किया जाता है, तो आप जानते हैं उसका वायु का वेग के लिए, किसका, वायु के वेग। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायु दाब मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहा जाता है, वायु दाब किसमें नापी जाती है, आप बताइए, अभी मैंने बताया था वायु दाब जो नापी जाती है वो बैरोमीटर से। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। किस उपकरण का उपयोग किया जाता है वायुमंडल की नमी मापने के लिए, तो नमी मापने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, नमी मापने के लिए हाइग्रोमीटर का, किसका, हाइग्रोमीटर का। ऑप्शन नंबर फोर राइट आंसर। एनीमोमीटर एक यंत्र है मापने के लिए, एनीमोमीटर से क्या नापा जाता है, तो बताइए, एनीमोमीटर से हवा की गति नापी जाती है।
ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एग्रोनॉमी को बढ़ाने का अभ्यास होता पौधे और पशु को, फसल को कि कृषि को, फलेदार पौधे को, फलदार पौधे को। तो एग्रोनॉमी होती है, एग्रोनॉमी जो होती है इसको फसल के पौधों को बढ़ाने के लिए होती है। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण के विज्ञान में किया जाता है, तो ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण किसमें, आइकोनोग्राफी में, संख्यावाचक में, संग्रहालय में, एपिग्राफी में होता है। तो किसमें जो होता है, तो यह होता है आपका संग्रहालय में, किसमें, संग्रहालय में। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किस उपकरण के लिए प्रयोग किया जाता है सूर्य की तस्वीर, गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर, स्पेक्ट्रो फोटोमीटर या स्पेक्ट्रो हेलियोग्राफ होता है, तो कौन सा होता है इसका, तो आप लोग जानते हैं स्पेक्ट्रो हेलियोग्राफ होता है सूर्य की तस्वीर मापने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फोर जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर राइट आंसर हो जाएगा। सिक्सटेंथ एक उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है स्त्री रोग के लिए, नेगिवेशन के लिए, जन्म नियंत्रण के लिए, चिकित्सा उपकार के लिए। तो इसका जो है उपयोग किया जाता है वो नेगिवेशन के लिए, किसका, नेगिवेशन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, सिक्सटेंथ का उपयोग। मिट्टी के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है, पदशास्त्र या पदशास्त्र कहा जाता है, या पृष्ठिकी कहा जाता है, पोमोलॉजी कहा जाता है। तो मिट्टी के जो विज्ञान से होते हैं उसे पेडोलॉजी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, पहाड़ों का अध्ययन ज्ञात होता है, आइकोनोलॉजी, लिथोलॉजी, मूत्रविज्ञान, अलंकार शास्त्र होता है। जो पहाड़ों का जो अध्ययन होता है, पहाड़ों का जो अध्ययन होता है उसको, पहाड़ों का जो अध्ययन होता है ज्ञात करते हैं, पहाड़ों का जो अध्ययन है उसे ज्ञात करते हैं। तो इसका जो है, इसका कोई भी, इसका राइट आंसर नहीं है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्मन गलत है, हाइग्रोमीटर वायुमंडल की जलवाष्प सामग्री, या लैक्टोमीटर का विशिष्ट गुरुत्व तरल पदार्थ होता है, एनीमोमीटर की गति जो हवा को मापते हैं, या भूकंप जो है, भूकंप जो होता है भूकंप। तो इसका कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है, कौन सा जो है वो गलत है। तो लैक्टोमीटर क्या होता है, दूध की शुद्धता नापी जाती है, ये वाला गलत है। जबकि एनीमोमीटर हवा की गति बिल्कुल सही है, वायुमंडल जलवाष्प से भी सही, भूकंप से भूकंप। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन जीवाश्मों से संबंधित होता है, जीवाश्मों से कौन सा अध्ययन संबंधित होता है, आचार जो होता है, एटिलियोलॉजी जो होता है, नृविज्ञान होता है, पुरापाषाण काल होता है। जो जीवाश्मों के अध्ययन से संबंधित होता है, जीवाश्मों के अध्ययन से जो संबंधित होता है उसे पुरापाषाण काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर फोर राइट आंसर। पृथ्वी के अंदर की हलचल, क्रस्ट या अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, भूविज्ञान, सिस्मोलॉजी, प्लेट विवर्तन की, या पेंटोग्राफ। तो पृथ्वी के अंदर की जो हलचल होती है, हलचल जो होती है इसको नापा जाता है, इसको सिस्मोलॉजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, जानवरों के संबंध का अध्ययन और मापने अपने आसपास के पौधों को कहा जाता है, पारिस्थितिकी कहा जाता है, नृविज्ञान कहा जाता है, वंशावली कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर वन राइट आंसर हो जाएगा। स्फिग्नोमैनोमीटर के उपाय रक्तचाप में कहा होता, सिराओं में होता, धमनियों में होता, आंखों में होता, श्लेष में होता। तो ये किसमें होता, धमनियों में होता। ऑप्शन नंबर क्या सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था, हेलीकॉप्टर का जो आविष्कार है कोपरनिकस ने, बिल्कुल नहीं, सिकोरस्की ने, कॉकरेल ने, ड्रिंकर ने किया था। तो किसने, सिकोरस्की ने किया था हेलीकॉप्टर का। ऑप्शन नंबर क्या सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में ये क्लास समाप्त होती है। आप लोगों को ये क्लास पसंद आएगी तो क्या करना, लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।